हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जोगिंदर इकाई के पदाधिकारियों ने प्रधान जयकिशन की अध्यक्षता में अपनी मांगों को ज्ञापन स्थानीय एसडीएम के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को भेजा। जोगिंदर नगर इकाई के प्रधान जयकिशन ने आपका फैसला से बात करते हुए कहा, मौजूदा सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में उदासीन रवैया अपना हुए है। उन्होंने कहा कि आज तक प्रदेश सरकार को सौंपे गए 56 सूत्री मांग पत्र पर कोई चर्चा नहीं हुई है और न कि कोई जेसीसी की बैठक आयोजित की गई। अलबत्ता 6 महीने में एक बार जेसीसी की बैठक होना अनिवार्य होता है। प्रधान जयकिशन ने बताया कि उनकी मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, फ्रिज डीए बहाल करना, निजीकरण व ठेका प्रणाली बंद करना सहित अनेक मांगों का ज्ञापन सौंपा। कृष्ण अराजपत्र कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष जोगिंदर इकाई आज स्थाई जुलाई 2020 को माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से 56 सूत्री मांग पत्र दे रहा हूँ, जिसमें कर्मचारियों से संबंधित निम्न प्रकार की मांगें इस प्रकार से हैं। वेतन आयोग की रिपोर्ट को पंजाब सरकार का इंतज़ार किए बिना तुरंत लागू करें, पुरानी पेंशन बहाल करें, फ्रिज डीए बहाल करें, संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक सरकार तुरंत बुलाएं, पहले से दिए 56 सूत्री मांग पत्र पर सरकार चर्चा करें, अंधाधुंध निजीकरण व ठेका प्रणाली बंद हो, कर्मचारी व श्रमिक विरोधी नीतियाँ सरकार वापस लें, रद्द श्रम कानूनों को बहाल करें, कर्मचारियों और श्रमिकों की वेतन विसंगतियां दूर हो तथा उन्हें पूरा वेतन मिले।